सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 स्थित भिगान टोल प्लाजा पर चार कार सवार 10 लोगों ने टोल मांगने पर चार लेन को जाम कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे टोल मैनेजर को हथकड़ी लगाकर अगवा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर मैनेजर और उसकी टीम के सदस्यों की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से भी धक्का मुक्की करने के साथ एक हवलदार को पीटकर घायल कर दिया। आरोपी खुद को यूनिवर्सल लॉ ग्रुप का सदस्य बता रहे थे। इन्होंने पहचान पत्र दिखाने और इंडिया के कानून को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने टोल मैनेजर को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनकी गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट पर ULCT है। पुलिस चेसिस नंबर के आधार पर उनके बारे में पता लगाएगी। भिगान टोल प्लाजा के मैनेजर दीदार सिंह ने मोटर थाना पुलिस को बताया कि कंट्रोल रूम पर टोल की चार लेन जाम होने की सूचना मिली थी। बताया गया कि चार कारें टोल की अलग अलग लेन को जाम करके खड़ी हैं। इससे जीटी रोड पर वाहनों की लाइन लगने लगी है। मौके पर पहुंचे मैनेजर ने उनको लेन से गाड़ियों को हटाने को कहा। वो टोल मांगने पर हंगामा कर रहे थे। इस दौरान एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने गाड़ी से उतरकर मैनेजर को हथकड़ी लगा दी, साथ ही उसका अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान टोल के अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे। कारों में सवार 10 लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। सूचना पाकर डायल 112 और मोरतल थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि हमलावरों ने पुलिस टीम से धक्का मुक्की की और हवलदार कृष्ण की पिटाई कर दी। पुलिस ने और पुलिसकर्मी बुलाकर 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान आरोपियों ने टोल पर जमकर हंगामा किया और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। पगड़ीधारी व्यक्ति खुद को अंतरराष्ट्रीय ग्रुप यूनिवर्सल लॉ से संबंधित बता रहे थे। उन्होंने खुद पर इंडिया का कानून लागू नहीं होने की बात कही। मोरतल थाना पुलिस और CIA 2 की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उनके बारे में पता लगा रही है कि उनका संबंध किसी देश विरोधी संगठन से तो नहीं है। बताया गया है कि उनके पास से 8 हथकड़ी और एक कृपाण भी मिली है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे पास कॉल आई थी कि बंदे 9-10 बंदे हैं, 3-4 गाड़ियों में, जिनके नंबर अलग अलग आए हुए हैं और वो अपने आप को यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट से बता रहे हैं। और उनमें से एक बंदे ने वहाँ टोल मैनेजर को हथकड़ी लगाने की कोशिश करी थी, तो उसको ले जाने के लिए, तो फिर इसी तलाब पर हम पहुँचे तो जाके उसने पुलिस कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी करी। और उनका ये कहना था कि भाई हम यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट से हैं और हम आपके कानून के अंडर नहीं आते हैं और ना इसको मानते हैं, तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है। सर कितने बंदों को अरेस्ट किया गया है? 10 बंदे हैं जी। अलग अलग जगह रहने वाले? जी जी जी, ज़्यादातर दिल्ली और यहाँ नोएडा के। गिरफ्तारी डाल दी सर? जी जी जी, गिरफ्तार।